हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मनीषा वर्मा। इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द मोड ऑफ हीट कंडक्शन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर मोड ऑफ हीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लीजिए, एक आप फ्लास्क ले लीजिए। फ्लास्क अगर नहीं है तो आप एक बीकर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप 2/3 पानी भर दीजिए और इसको ट्रिपॉड पर रख दीजिए या कोई अरेंजमेंट कर दीजिए कि आप उसको हीट कर सकें। फिर उसके नीचे कैंडल रख दीजिए। अब जब वाटर बिल्कुल स्थिर हो जाए तब आप क्या करेंगे, एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल उसमें डाल देंगे। इसके बाद वाटर को आप गर्म करेंगे कैंडल को जला के। इसके बाद आप देखेंगे कि जब पानी गर्म होता है तब क्या होगा, जब पानी गर्म होगा तो जो कैंडल के पास वाटर है यानी नीचे तली पर, वो पहले गर्म होगा। देन हॉट वाटर राइजेज अप, हॉट वाटर ऊपर उठेगा और कोल्ड वाटर जैसे राइस वाटर गर्म ऊपर गया गर्म पानी, उसमें से फिर यहाँ से ठंडा पानी उस गर्म, क्योंकि गर्म चूँकि गर्म चीज़ें हल्की होती हैं, फिर वो ऊपर उठेगा और ठंडा पानी उस गर्म पानी की जगह लेने के लिए नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये ऐसे सर्किल चलेगा। यू कैन सी द होल अरेंजमेंट, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड दिस इज़ कैंडल। इसके बाद आप देखेंगे कि वाटर फ्रॉम द साइड, वाटर साइड से मूव होकर के ऊपर जाएगा और ठंडा पानी यहाँ से नीचे की ओर आएगा। तो ये प्रोसेस जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता, ऐसे ही ये राउंड राउंड चलता रहेगा। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इस प्रकार के हीट ट्रांसफ़र को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हीट में ट्रेवल करता, हीट किस प्रकार से एयर में ट्रेवल करता है। एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। एयर जो कि हीट के पास होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी और जो फिर साइड से क्या होगा, उठेगी ऊपर और ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए आ जाएगी। जैसे कि बच्चों हमारे घर में होता है कि रोशनदान ऊपर होते हैं और खिड़कियां नीचे होती हैं, तो होता क्या है कि जब हम सांस के द्वारा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो गर्म होती है, तो वो गर्म हवा खिड़कियों के द्वारा, वो गर्म हवा ऊपर उठती है और रोशनदान के द्वारा बाहर चली जाती है। अब फिर ठंडी हवा नीचे खिड़की से आती है और उस गर्म हवा का स्थान ले लेती है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। नाउ वी विल डू अनदर एक्टिविटी। एक आप कैंडल ले लेंगे, एक हाथ आप देखिए इन द फिगर, एक हाथ आप ऊपर रखेंगे और एक हाथ साइड में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कन्वेक्शन के द्वारा हीट हमारे ऊपर वाले हाथ को गर्म करता है, साइड वाले हाथ को कम गर्म करता है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो उसका अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू टेल यू इन डिटेल हाउ इज़ इट पॉसिबल द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ड्यूरिंग द डे दिन के समय क्या होता है कि जो लैंड होती है वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, यानी ज़मीन जल्दी गर्म होगी और पानी देर में, तो ज़मीन के ऊपर की हवा क्या होगी, वो गर्म हो जाएगी और वो गर्म हो करके कहाँ से चलेगी, वो गर्म होके ऊपर उठेगी और इसके बाद उस हवा को, हवा के स्थान को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवा चलेगी और लैंड की तरफ आएगी। तो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, यानी गर्म हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ चलेगी और समुद्र से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ चलेगी। तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। तो ये इस प्रकार के चक्र को हम सी ब्रीज कहते हैं। अब किसी तरह से हमारे घरों में विंडोज़ और
वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे रात में जस्ट इसका उल्टा होता है, पानी कूल्स डाउन मोर स्लोली, बहुत धीरे जो है ठंडा होता है लैंड की अपेक्षा। तो ठंडी हवा ज़मीन से चलेगी समुद्र की ओर, ठंडी हवा ज़मीन से समुद्र की ओर चलेगी, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि जब हम सूर्य की रोशनी में आते हैं तो हमको गर्मी महसूस होती है, तो ये कहाँ से आया? दिस इज़ द अनदर वे ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ना तो ये कंडक्शन से पहुँचती है ना तो कन्वेक्शन से। दब देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस, बिकॉज स्पेस के ज़्यादातर यानी कि हमारे अर्थ और सन के बीच में जो अथाह बिल्कुल स्पेस है वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, ना तो एयर है ना तो कोई अन्य मीडियम है। तब क्या होता है कि बच्चों दिस इज़ द डे टाइम सी ब्रीज एंड दिस इज़ द नाइट टाइम लैंड ब्रीज। एंड तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस। तो सन से जो हीट हमारी पृथ्वी तक आती है स्पेस से गुजरते हुए, वो कैसे आती है बच्चों? वो जो है रेडिएशन के द्वारा आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो, हम अगर इसी तरह से हम अपने घर में भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम तक गर्मी पहुंचती है क्योंकि रेडिएशन के द्वारा ये गर्मी हम तक पहुंच जाती है। अगर हम दूर चले जाएं तो नहीं मिलेगी हमको। इस तरह से हम अगर ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाई रेडिएशन। अगर हम चूल्हे पर से कोई बर्तन उतार देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है क्योंकि रेडिएशन के द्वारा उसकी गर्मी हमारी सराउंडिंग्स में चली जाती है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट इन हीट। सभी हॉट बॉडी जो होती है, सभी गर्म जो चीज़ें होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। जब ये हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्जॉर्ब क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से चीज़ें गर्म होती हैं। आप देखते होंगे कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आप छाता ले लीजिए तो आप ताकि आप तक सूर्य की गर्मी ना पहुँच सके। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। किस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं भाई? हम गर्मी में लाइट कलर कपड़े पहनते हैं और जाड़ों में डार्क कलर। तो आइए नाउ वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब हम दो आइडेंटिकल एक तरीके के टिन केन ले लेंगे और एक को हम काले से पेंट कर देंगे और दूसरे को वाइट से। दोनों में बराबर मात्रा में पानी भरेंगे और उसको बिल्कुल दोपहर में, भरी दोपहर में हम उसको एक घंटे के लिए बाहर धूप में रख देंगे। अब आप दोनों का टेम्परेचर नापिए क्या होगा बच्चों? इसमें आप देख बच्चों आप देखेंगे कि जो डार्क कलर्ड होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारा जो पेंट ब्लैक पेंट वाला है केन वो जल्दी गर्म हो गया है। आप इसको उंगली से भी टच करके देख सकते हैं। नाउ वी विल परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। फिल टू केन यूज इन एक्टिविटी। अब दो केन है हमारे पास और दोनों में हम समान एक 60 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी इसमें भर देंगे। अब उसको हम छाया में रख देंगे। अब टेम्परेचर हम देखेंगे 10-15 मिनट बाद तो क्या होगा, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो डार्क कलर का है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा और लाइट कलर्ड वाले का टेम्परेचर जल्दी गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, इसी कारण से समर में हम जो है लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं और